हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मार्बल मशीन बॉस की इसका कार्बन और स्विच बदलना आपको बताएंगे। वीडियो को कृपया अंत तक देखें। देखिए, नया कार्बन आ चुका है, अब इसको लगाया जा रहा है। ये एक तरफ का कार्बन लग चुका है, इसको टाइट कर लेंगे ढक्कन। इसके बाद दूसरी तरफ लगाएंगे, इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, इसका भी ढक्कन बंद हो चुका है गाइस। अब स्विच बदलने जा रहे हैं इसकी। स्विच बदलने से पहले इसका पेच का ढक्कन खोल लिया जाएगा। ढक्कन खुलने के बाद इसकी स्विच बदली जाएगी। ढक्कन खुल चुका है गाइस, पेच खुल गया है इसका। अब ढक्कन खोला जाएगा। ये देखिए गाइस, ढक्कन खुल गया है। अब इसकी स्विच निकाल लिया जाएगा, पुरानी स्विच, इसमें नई स्विच लगाया जाएगा। ये पुरानी स्विच खराब हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये खराब हो चुकी है पुरानी स्विच। अब इसमें नई स्विच लगाया जाएगा। बॉस की ओरिजिनल स्विच है ये। नई स्विच लगाया जा रहा है गाइस इसमें। दोनों तरफ से पेज इसका अच्छे से टाइट कर लेंगे। स्विच लग चुकी है गाइस। अब इसका ढक्कन पैक कर देंगे। ढक्कन पैक करने के बाद इसका पेच टाइट कर दिया जाएगा। पेच टाइट होने के बाद गाइस, इसको टेस्टिंग करके देखा जाएगा स्विच सही काम कर रही है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कौन सी मशीन की रिपेयरिंग देखना चाहते हैं उसको कमेंट करें। देखिए गाइस, इसका पेस्ट टाइट हो चुका है। अब इसको चला के टेस्टिंग कर लिया जाएगा। ये देखिए, परफेक्ट चल रही है गाइस। इसका ब्लेड चेंज करा जाएगा। अब इसका ब्लेड ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। चार इंची ब्लेड लगता है इसमें गाइस। ये ब्लेड नहीं लगेगा गाइस इसमें। ये 5 इंची ब्लेड है। अभी 4 इंची ब्लेड इसमें लगाया जाएगा। ये 4 इंची ब्लेड आ गया गाइस। ये देखिए, ये परफेक्ट बैठ गया है। अब इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर दिया गया है। ये देखिए गाइस, मशीन कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।